आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी लोगों को सबसे बड़ी अपडेट दे दूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। जैसे कि आपको मालूम है कि आपके काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रहे हैं, लेकिन साइट इश्यू की वजह से बहुत सारी दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह था आप सभी लोगों का कि कितने कॉलेज हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका जवाब मेरे द्वारा 100% आपको सही देने का पूरा कार्य कर रहा हूँ। यह जो मैं जवाब दे रहा हूँ, यह पूरी तरह से आपको 100% सही है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा लिखा हुआ आपको मेन पेज का दिखेगा, जो कि काउंसलिंग की प्रक्रिया खुलने के बाद मैंने यह देखा था, लेकिन यह अभी भी जो है पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। तो आपका जो सवाल था कि हम जो है कितने कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका जवाब अब मैं आपको दे देता हूं कि आप लोग जो है कम से कम 5 कॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा 30 कॉलेज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि यह सबसे बड़ी अपडेट आप सभी लोगों को कि बिहार डीएलएड काउंसलिंग में 30 कॉलेज ही जो है आपको सिलेक्ट करना है ज़्यादातर, और जो है आपको 5 कॉलेज ही कम कर सकते हैं। जिनको लगता है कि मेरा रैंक बेहतर है, मतलब कहने का अर्थ सीधा सा है कि 5 कॉलेज कम से कम सिलेक्ट करना है और ज़्यादा कॉलेज जो है 30 ही सिलेक्ट करना है। समझ गए मेरी बातों को। ओवरऑल बात कर ले तो आपको जो है डीएलएड के काउंसलिंग में टोटल जो है आपको 30 कॉलेज का ही चयन करना है। आप सभी लोगों को सबसे बड़ी अपडेट फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से दिया जा रहा है कि बिहार डीएलएड काउंसलिंग 2022 में कॉलेज चूज का जो ऑप्शन है वहां पर केवल जो है आपको 30 कॉलेज ही चुनना है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग जितने भी हैं वो सभी अपने कॉलेज के नाम कोड लिख कर रख ले कि आपको कौन कौन से कॉलेज को चयन करना है। मेरे द्वारा जो है टेलीग्राम पर आपको कॉलेज लिस्ट भेजा गया है, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेज की बात की गई है। तो सबसे बड़ी अपडेट कि आपको चूज फिलिंग में जो कॉलेज का लिस्ट आ रहा है उसमें आपको कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 कॉलेज का ही चयन करना है। सबसे बड़ी अपडेट मतलब कि काउंसलिंग में आपको जो है 30 कॉलेज ही सिलेक्ट करने हैं। अब इस पर सवाल आएगा कि कितने कॉलेज हम प्राइवेट करें, कितने गवर्नमेंट करें। तो देखिए, आप लोग जो है अपने रैंक के अनुसार जो है कॉलेज को चयन करेंगे ताकि आपको कॉलेज मिल सके। जिनका रैंक बेहतर होगा वो प्राइवेट करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे, दोनों करेंगे। सॉरी, जिनका बेहतर रैंक होगा वो तो गवर्नमेंट करेंगे, और जिनका रैंक थोड़ा खराब होगा तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों करेंगे। मेरी बात समझ लीजिएगा, जिनका रैंक बेहतर होगा वह गवर्नमेंट करेंगे 300 का 300, और जिनका थोड़ा ठीक नहीं होगा तो वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिक्सअप करके करेंगे। यह जो है सबसे बड़ी अपडेट है। इसके बाद जो है आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया की वीडियो आने वाली है, आप सभी लोग बने रहेंगे। उससे पहले जो है आप सभी लोग कॉलेज का नाम चयन कर ले, आपको जो है 30 कॉलेज ही चयन करना है। तो सबसे बड़ी अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।